आपका एक वोट सत्ता बदलने की ताकत रखता है, इसे रुकने ना दें, अपनी आवाज बुलंद करें, क्योंकि लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए आवाज जरूरी है। इस जनजागरूकता अभियान ने सभी के लिए एक मिसाल पेश की है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र को अपने शब्दों में परिभाषित किया था, जनता की सरकार, जनता द्वारा, जनता के लिए। निश्चित ही लोकतंत्र का आधार यही है और इसी आधार को दृढ़ता प्रदान करने के लिए नागरिकों का मतदान के प्रति जागरूक होना बेहद जरूरी है। मतदाता जागरूकता के उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा स्वीप गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। शासकीय कुसुम महाविद्यालय सिवनी मालवा में भी मतदाता जागरूकता अभियान के तहत स्वीप कैलेंडर अनुसार विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उसी श्रृंखला के तहत आज महाविद्यालय के सभागार में मतदाताओं को जागरूक किए जाने के उद्देश्य को पूरित करता एक नुक्कड़ नाटक मंचित किया गया, जिसमें 100% मतदान करने की अपील समाहित थी। वहीं दूसरी कड़ी के रूप में महाविद्यालय प्राचार्य के नेतृत्व में अतिथि विद्वानों तथा छात्राओं द्वारा बस स्टैंड पर लगने वाले सब्जी बाजार में मतदाताओं को वोट डालने की प्रेरणा देने वाले पंपलेट वितरित किए गए। इस अवसर पर महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर बीएल डहरिया के साथ डॉक्टर किरण पगारे, डॉक्टर मोहन गुजर, सखाराम यादव सहित अन्य अतिथि विद्वान ने मतदान के लिए सभी लोगों को प्रेरित किया। क्या कार्यक्रम चल रहा है सर? ये मतदाता जागरूकता के लिए सभी मतदान करने के लिए अनिवार्यता है, सभी को सूचित किया जा रहा है और महाविद्यालय द्वारा ये प्रयास है कि सभी मतदाता 100% मतदान के लिए प्रयास किया जा रहा है। इसमें कितने लगे आपकी टीम में? हमारी टीम में करीब 50 लोग हैं अभी साथ में, बच्चे भी हैं साथ में। हाँ, बच्चे हैं, पूरा स्टाफ है। जो आज सब्जी मार्केट में सभी सब्जी विक्रेताओं को ये मतदान के लिए प्रेरित किया गया, पॉम्पलेट बांटे गए।